अजमेर में एक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को आज सीआईडी जॉन व तरगा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। दीपावली को मद्देनजर रखते हुए एसपी के निर्देश पर धरपकड़ शुरू की, जिस पर अजमेर में अवैध रूप से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। सीआईडी जॉन व तरगा थाना पुलिस बांग्लादेशी युवक को लेकर दरगाह थाना पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ जारी है। पिछले महीने अवैध रूप से अजमेर के दरगाह थाना इलाके में अवैध रूप से रह रहा था एक बांग्लादेशी युवक, जिससे सीआईडी जोन और अभी दरगाह थाना पुलिस पूछताछ कर। दीपावली के त्यौहार को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदया ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक एरिया डोमिनेशन करने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस थाना दरगाह और सीआईडी की जॉइंट ऑपरेशन में एक बांग्लादेशी नागरिक है, उसको डिटेन किया गया है, जिसकी नियमानुसार कार्रवाई जारी है। कितने समय से रहना है? करीब एक महीने से रहना बता रहा है और पूछताछ चल रही है। सर, क्या नाम है, कहां का रहने वाला है? इसका नाम मोहम्मद सैफुल है, जो ये बांग्लादेश का रहने वाला है, ढाका। हाल में यहाँ पे कहाँ रहना था? अभी अंदर कोट इलाके में ही रह रहा था, तो इसकी पूछताछ जारी है कि कहाँ रुका। सर, यहाँ का यहाँ रहकर क्या करता था? ये मजदूरी करना बता रहा है और दरगाह में खाना बदोश कर जीवन जी रहा था। सर, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, ये अभी आगे जारी रहेगी और हम हाउस टू हाउस सर्वे भी कर रहे हैं इसको लेकर के, और कार्रवाई सामने आएगा। नहीं, ये अभी पूछताछ जारी है। नहीं, अभी तक अभी पूछताछ जारी है, इनिशियल स्टेज पे अभी तो पकड़ा है। नहीं, अभी साथी का कोई ऐसा सामने आया नहीं है, पूछताछ करेंगे।